ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमोक्षेयमाम्रतात् बोलिशंकर भगवान् की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के इस नए एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साल 2021 में सावन का महीना कब शुरू होगा और सावन का महीना कब तक चलेगा। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय होता है और सावन के महीने में जो भी सच्चे मन से शिव जी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में व्रत करने वाले मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और इस जन्म में पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते हैं तो आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप सावन के महीने में शिव मंदिर में जाकर के दीप दान करते हैं तो ऐसा करने से आपके भाग्य में वृद्धि होती है। प्रिय साथियों, अगर हम अपने ज्योतिष शास्त्रों की बात करें तो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भी प्राणी सुबह जल्दी उठ करके भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत करता है, ऐसे जातकों को अपने जीवन में हमेशा सफलता की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि साल 2021 में सावन का महीना कब शुरू होगा और सावन के महीने का क्या समय रहेगा। साथियों, अगर आपने अभी तक पंडित नितिन शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्म कर्म व्रत तीर्थ त्यौहार से जुड़ी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि साल 2021 में श्रावण का महीना कब प्रारंभ होगा। तो जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि श्रावण का महीना शुक्रवार 23 जुलाई को प्रारंभ होगा और रविवार 22 अगस्त को श्रावण का महीना समाप्त होगा। सारी डिटेल यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुक्रवार 23 जुलाई को श्रावण प्रारंभ होगा और रविवार 22 अगस्त को श्रावण की समाप्ति होगी। डिटेल आप यहां से नोट कर सकते हैं, अच्छी तरह से डिटेल आप नोट कर लेंगे। साथियों, स्क्रीन पर मैंने सारी जानकारी शेयर कर दी है। तो प्रिय साथियों, आप सभी को यह एपिसोड कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और अगर एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना है। श्रावण का यह महीना आप सभी भक्तों के जीवन में खुशियां लेकर के आए, ऐसी भगवान भोलेनाथ से हमारी मनोकामना है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता की।